तस्करों के साथ साथ दलालों का हब बना नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को भयमुक्त, अपराध मुक्त व दलाल मुक्त रखने का दम भर रही है, पर जमीनी हकीकत इसके उलटी है। यहाँ अपने ही अपने को लूट रहे हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा के कस्बा रुपेडिया में बना अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा दलालों के लिए मुफीद साबित हो रही है। जनपद बहराइच के रुपेडिया रोडवेज बस स्टैंड पर नेपाली होस्टल के दलालों की भरमार है, जहां नेपाल के होटल के नेपाली एजेंट बस स्टैंड पर पहुंचकर भारत से मेहनत मजदूरी करके वापस अपने घर जाने वाले नेपाली यात्रियों को अपनी भाषा में समझा कर रुपेडिया से नेपाल ले जाकर अपने होटल में ठहराते हैं, मनमाना पैसा ऐंठते हैं। वहीं इनकी आड़ में रिक्शा का टांगा वाले भी इन्हें लूटने से कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे भारत का स्वाभिमान भी अपमानित होता है। पर अफसोस, खाकी को तो पैसा चाहिए, चाहे खाकी को क्यों ना नीलाम करना पड़े। आपके कस्बा रुपेडिया में ये कुछ तथाकथित समाचार बाहर क्षेत्र में लोगों के मुंह पे हैं कि कुछ होटल दलालों का आतंक फैला हुआ है यात्रियों पर, वो भी नेपाली यात्रियों पर। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सुबह जो 4-5 बजे तक बसें आती हैं, उसके अंदर में पहाड़ से कमा करके, इंडिया से कमा करके जितने भी मज़दूर आते हैं नेपाली, उसको ज़बरदस्ती होटल के व्यवसाय करने वाले नेपाली औरतें और मर्द, और यहाँ कुछ मिले हुए रक्षा और तांगे वाले भी हैं, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। इससे हमारी बदनामी होती है इंडिया की। इस संबंध में कई बार हम लोगों ने पुलिस से भी कहा, समझा, अब तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं। मैंने नेपाल पुलिस से भी इस संबंध में कहा है, इस पर कार्रवाई की जाए।